मोटरवे पर इंसानियत सोज वाकया के मुलजिम गिरफ्तार ना हो सके, पुलिस की 20 टीमें मसरूफ तफ्तीश। सरतूर कोशिशें, 15 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत, डीएनए टेस्ट ले लिया गया। इलाके की जियो फेंसिंग बेमुकम्मल, मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए खोजियों की मदद भी ली गई है। सीसीटीवी कैमरों से मुश्तबा अफराद की रिकॉर्डिंग हासिल कर ली गई। खातून ज्यादती केस में अहम पेशरफ, खातून से छीनी जाने वाली तलाई अंगूठी और घड़ी मिल गई। मुलजिमों के फरार होने के दौरान गिरने का इम्कान, मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए मोबाइल कंपनियों का डेटा भी हासिल कर लिया गया। मोटरवे पर खातून की आबरू रेजी केस की तफ्तीश का दायरा कार वसी, इलाके के तमाम अफराद के डीएनए टेस्ट कराने का फैसला। सैंपलिंग के लिए करोल घाटी के करीब फील्ड अस्पताल बनाया जाएगा। नवाज शरीफ का मोटरवे पर खातून की बेहुर्मती पर इजहार अफसोस, कहा इज्जतदार बेटी और इसके जिगर गोशों के साथ ये कयामत दिल छलनी कर गई। मुजरमों की जल्द गिरफ्तारी ही मुल्की आबरू का तकाजा है, वाकये पर पूरी इंसानियत शर्मिंदा हो गई। मुस्लिम लीग नून का सीसीपीओ लाहौर को हटाने का मुतालिबा, मरियम औरंगजेब कहती हैं कि सीसीपीओ लाहौर को इबरत का निशाना बनाया जाए। मुहाफिज मुजरमों की हिफाजत, मासूमों पर इल्जाम लगाते हैं वजीर आजम और पूरी रियासत की खामोशी जुल्म। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि कमेटियों से मसला हल नहीं होगा, मुजरमों को पकड़ें और सरेआम कूड़े मारे जाएं, ऐसा शर्मनाक वाकया तो पेश ही नहीं आना चाहिए था। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर का आईजी पंजाब इनाम खनी से टेलीफोनिक राबता, खातून से ज्यादती की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा ऐसे वाकया समाजी रवैयों की मुनाफी है, मुतासिरा खातून को इंसाफ की फराहमी के लिए इकदाम किए जाए। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर का ज्यादती के वाक़े के मुजरमों को सरेआम फांसी देने का मुतालिबा। मौलाना असद महमूद कहते हैं कि गैर जिम्मेदार बयान पर सीसीपीओ लाहौर को फौरी तौर पर बरतरफ कर देना चाहिए। इस्लामाबाद का रास्ता आता है, विफाक को भागने नहीं देंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत को तनबीह। फहमीदा मिर्जा से भी इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया, कहा सिंध की अवाम को मुश्किल की इस घड़ी में लावारिस नहीं छोड़ेंगे। कहां चले गए करोड़ों नौकरियों और लाखों घरों का वादा करने वाले, सिंध के अवाम अब उठ खड़े हुए हैं, हक छीनना जानते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा कोयटा, वज़ीर आला शाम कमाल की मुलाकात, वज़ीर आज़म ने अहम इजलास में भी शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान का सूबाई तरक्याती प्रोग्राम और क़याम अम के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। शफकत महमूद कहते हैं कि कराची के मसाइल हल करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी, विफाक शहर कायद के लिए जो हो सका करेगा, खसूसी पैकेज की शफाफियत को यकीनी बनाएंगे, फराहमी और निकासी आग का मसला हल होना बहुत जरूरी है। भारत में पानी है ना बिजली, कोई भी सहूलत मुयसर नहीं, हिंदू खानदान पाकिस्तान वापस आ गया, कहा पाकिस्तान हमारा मुल्क है, यहां सुकून है। पाकिस्तान में कोरोना के 3 लाख मरीज, मजीद 5 का इंतकाल, अम्फाज 6370 हो गई, 535 मरीजों की हालत तश्वीशनाक, 2,88,206 मरीज सेहतयाब हो चुके। और दुनिया भर में कोरोना के 2,84,00,000 मरीज, 9,15,000 हलाकतें, अमेरिका में 1,96,345, ब्राजील में 1,29,575, मेक्सिको में 70,000,
रूस में 18,365, भारत में 76,348 और सऊदी अरब में 4,190 अमवात।